ये देख लो भाई, दो पेटी का नुकसान हो चुका है। तेरी जैसे हुआ है भाई, ये क्या है यार सार्थक भाई, चाबी मिल चुकी है। बहुत सुंदर भाई, एक बार निहार तो लूं भाई। वेट ही नहीं है, ये क्या है? चे पागल हो गए पोर्शे देख के देखने रिएक्शन। लो भाई एंडेवर भी पसंद आ गई एक ही वजह से फॉर्च्यूनर एंडेवर से बेटर है, बस एक फीचर में। ये गाइस सेकंड गियर स्पोर्ट्स मोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। भाई आज थैंक्स टू हमारे श्रेयसोन भाई, मेरा एक ड्रीम पूरा होने वाला है। एंड हमें गाड़ी अभी चेकआउट करने जा रहे हैं। आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, इट इज अ क्रेजी कार भाई। वी आर गोइंग टू चेक आउट द पोर्शे 911 GT3। इट्स द GT3, नॉट द GT3 RS। अगर वो होता तो और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता, अगर RS होती तो, बट इट्स द 911 GT3। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स अ मैनुअल गाइस, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब मेरे को, मैं बता ही नहीं सकता इस वक्त मैं इतना खुश हूं ना एज अ कार गाय। कार गाइस विल अंडरस्टैंड कि मेरी इतनी खुशी इस वक्त क्यों है। एंड मैं सोचा अपनी टीम तक को भी साथ लेके चलता, बिकॉज़ आई नो माय टीम तक भी बहुत सारे कार गाइस हैं हु आर पोर्शे फैन बॉयज। आई एम आल्सो अ पोर्शे फैन बॉय, एंड ऑब्वियसली 911 GT3, GT3 RS, GT2 RS, ये सब तो क्रेजी बीस्ट्स हैं भाई। मतलब दे आर सीरियसली नेक्स्ट लेवल स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स, कुछ भी कह लो, सुपर कार किलर्स हैं ये। एंड मतलब क्या टेक है यार, मतलब मैं बता भी नहीं सकता क्या इंजीनियरिंग है पोर्शे की। मतलब इट्स प्योर जर्मन इंजीनियरिंग। बस 1400 किलो की गाड़ी है गाइस, एंड 500 हॉर्स पावर की, मतलब गो कार्ट की तरह हैंडल करती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट भाई, रियर व्हील ड्राइव, सो यू कैन ड्रिफ्ट ऑल यू वांट, नेचुरली एस्पिरेटेड 4 लीटर। चलो ये सारी चीजें तो मैं तब दिखाऊंगा, बट अभी जाते जाते खुशी खुशी में भाई थोड़ा सा नुकसान भी हो गया है। ये देख लो भाई, दो पेटी का नुकसान हो चुका है। तेरी जैसे हुआ है तू रोज बोलता था बिना कवर के रखता, बिना कवर के रखता, आज टूट ही गया यार भाई ये मुझे रोज टोकता था भाई, कवर लगा ले, कवर लगा ले, इतना महंगा फोन है। और ये वाला हैवी 1 TB वाला और 15 Pro Max है, तो भाई इट्स एन एक्सपेंसिव फोन, बट बहुत दिल में ये दर्द हो रहा है जो ये चटक गया इसके पीछे कांच पर। ये रजत कांच तो चेंज हो जाएगा, ये तूने बहुत तोड़े है ना। हाँ वो तभी तो मैं इतनी वो कर नहीं रहा भाई, हमारी वीडियो बना रहे हैं सामने से। ये देखो हम भाई की बना लेते हैं, कैमरा दब्बा। थैंक यू भाई, देख लो पैशन हर जगह है यार गाइस, आपको हर एज ग्रुप के मिल जाएंगे एंड हर डेमोग्राफिक के मिल जाएंगे। और उसके अलावा भाई, अब सिंस मैं फोन दिखाई रहा था तो जूतों पे नजर गई, बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे भैया जूते चेंज कर लो, जूते चेंज कर लो। भाई मेरा है फ्लैट फुट, ठीक है, यानी कि अगर मेरा पैर नीचे से देखोगे तवे की तरह सीधा है वो, तो मेरे को बहुत कम शूज मेरे को कंफर्टेबली आते हैं। 11 नंबर का ऊपर से पैर है मेरा, तो बहुत ही रेयर मेरे को जूता मिलता है, तो इसलिए मैं नाइकी एयरफोर्स 1 पहनता था बहुत टाइम तक। एंड जो आप लोग देखते थे ना व्हाइट विद ग्रीन लेसेस, जो मेरे हर वीडियोस वगैरह में आप लोग देखते हो, वो मेरे पास 2 पेयर थे, बट अब उन दोनों की ही एज हो गई थी, तो इस चक्कर में सोचा भाई ठीक है अभी एयरफोर्स 1 तो नहीं है ये, पता नहीं ऐसे मैंने ऑनलाइन देखे और मंगा लिए नाइकी है। ये कौन से हैं तेरे को ज्यादा नॉलेज इस स्नीकर्स? ये ले ऐसे देख ले भाई, ये ले एयरफोर्स 1 नहीं है ये। हाँ ये बस दिखे मैंने मंगा लिए, मैंने ये इसमें बस जुआ ही खेला है कि भाई मेरे को नहीं पता था कि जैसे फ्लैट फुट है तो कंफर्टेबल होगा नहीं होगा। एयरफोर्स 1 का तो मेरे को पता है पूरा कंफर्टेबल रहता है, पर मंगाए सही लग रहे हैं भाई, ऐसे ही मंगा लिए पता नहीं था, बट अच्छे कंफर्टेबल आ गए भाई। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कैसे लग रहे हैं, मुझे तो पसंद आए। थोड़ा ग्रीन से हटके अब हम ब्लू और व्हाइट पे आ रहे, जीन वीन से भी मैच कर रहे हैं, तो बढ़िया चीज है, बट इसका बहुत दुख हो रहा है। पर GT3 की खुशी बहुत ज्यादा है, जल्दी से चलते हैं GT3 चेकआउट करते हैं, अपने भाई के शोरूम जा रहे हैं सार्थक भाई के। सार्थक भाई प्रॉपर्टी वाला नहीं, ये सार्थक भाई गाड़ी वाला है, क्योंकि हमारा ही सार्थक भाई प्रॉपर्टी वाला भी है ना, तो गाड़ी सार्थक भाई के शोरूम पे है, वो चेकआउट करने जा रहे हैं। आई सो विश भाई, मतलब बस हिसाब अगर ओके रिपोर्ट इस वक्त होता तो मैं उठा ही लेता, फॉर सेल थी ऑब्वियसली, इट्स अ वेरी रेयर कार, बहुत कम भी चली है शायद ना 500 या 600, बस ब्रांड न्यू गाड़ी। एंड ऑब्वियसली यूज कार खरीदने में ही थोड़ी स्मार्टनेस है, क्योंकि जो पहला हिट होता है वो फर्स्ट ओनर ले लेता है, अनलेस आपने गाड़ी लंबी रखनी है। एंड मैं यूजली आपके सामने ही गाड़ियां चेंज कर लेता हूं, अपने को शौक है, पर जो गाड़ी लंबी रखनी होती है वो शोरूम से निकलवा लेते हैं, पर जो शौकिया होती है जो आनी जानी है वो हम यूज भी ले लेते हैं, ऐसी 500, 1000, 5000, 10000 से नीचे बेसिकली। तो जल्दी से भाई चला लो पहुंचे वहां पर। गैंगस्टर एंडेवर यार भाई, ऐसे बहुत रिएक्शन मिलते हैं इसको, गैंगस्टर एंडेवर को ना बहुत लोग पसंद कर रहे थे। हाँ भाई थोड़ा दिक्कत है कि यू नो महकमे से भी थोड़े अटेंशन ज्यादा ले लेती है ये, बस जगह ही नहीं है भाई, हमने एक्स्ट्रा ब्रेक लगा रखी है यहाँ पे ब्रेम्बो, ये देख लो
ठीक है, किसी दिन तेज भी चलाई तो यहाँ से भी ब्रेक मार सकते हैं, मेरे कैलिपर ये डिस्प्ले ये वो होता है जो गाड़ी भगाते दूसरा यूं पैर से हाथ से दबाते। अगर ड्राइवर ज्यादा तेज चला रहा हो और किसी की यहाँ फटे तो लोग यहाँ ही पैर से ब्रेक नहीं मार लेते लेफ्ट में, तो ये हाथ से भी मार सकते हैं। Guys, we are here at Premium Autos, और वो देख भाई क्रेजी सामने ही खड़ी कर ये रेडी है हमारे लिए क्रेजी भाई क्रेजी गाइस ये देखो खड़ी हुई क्या लग रही है ब्रॉन्स टू व्हील्स देख उसके भाई ये देखो क्रेजी मान क्रेजी भाई रुका नहीं जा रहा गाड़ी लॉक कर दे भाई साइड में खुले है ना ऐसे हाँ अब लॉक हुई है वो देख लो खुली छोड़ के जा रहा है रीले लगी हुई कर रहा है भाई क्रेजी भाई ये क्या है यार सार्थक भाई सबसे पहले इंट्रो करा दूं टीम टकियार को ये सार्थक भाई है ओनर ऑफ प्रीमियम ऑटोज और अपने बिल्कुल खास भाई है डार्लिंग है अपनी ये एंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज भाई ये लेके आए सार्थक सीरियसली क्रेजी भाई। अच्छा पोर्शे जैसे ये 911 जो है फोटोज वोटोज में बंदा देखता है वीडियो में देखता है लगती कितनी छोटी सी हो गई है वो बट इट इज सो लॉन्ग इट्स वेरी लो एंड इट्स वाइड गाइस जस्ट चेक इट आउट भाई क्रेजी यार चमक रही है मेरे तो हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा है इसको GT3 टूरिंग क्रेजी भाई डिफ्यूजर चेक करो देखो सेंटर एग्जिट एग्जॉस्ट वो भी ट्विन बहुत क्रेजी भाई विंग कितना प्यारा है यार ये मैन्युअली भी एडजस्टेबल है ओपन क्लोज मैन्युअली भी कर सकते हैं ना इसको तो क्रेजी भाई क्रेजी अमेजिंग भाई भाई फील ही अलग है इस गाड़ी की क्रेजी ब्लैक ऑन ब्लैक स्पेक है भाई एंड ऑब्वियसली ब्रॉन्ज व्हील्स हैं एंड जस्ट लुक एट दिस द मेन अट्रैक्शन भाई सीरियसली अ मैनुअल शिफ्टर बहुत ही क्रेजी भाई भाई चाबी मिल चुकी है बहुत सुंदर भाई एक बार निहार तो लूं यार इतनी सुंदरता है निहार तो लूं नहीं भैया थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद एक बार लेट्स पॉप द हुड भाई इंजन तो पीछे है तो लेट्स पॉप द बूट बोलना पड़ेगा इसमें तो भाई ये देख लो इतना ही खुलता है बस ये पोर्शे डजंट वांट कि आप खुद काम करो तो बस आप रेडिएटर के फैंस ही देख सकते हो जब भी आप डिक्की खोलो या जब भी आप बूट खोलो बेसिकली तो दैट इज इट गाइज एंड सामने ऑब्वियसली देयर इज द फ्रंक कह सकते हैं इसको कई लोग फ्रंक बोलते हैं ना लैच है इसमें मेरा उल्टा हाथ है ये रहा भाई वेट ही नहीं है ये क्या है ओ क्रेजी अब समझ आया वेट क्यों नहीं है है ना ड्राई कार्बन है एकदम मैट वेट ही नहीं है भाई इट्स अ GT3 बहुत ही प्यारी यार क्रेजी भाई ये है या निकाल दिया ये ऑलमोस्ट हो गई है क्या आस्किंग है वैसे 330 इनवॉइस कितने की इसकी 500 किलोमीटर तो चली है 600-700 कौन सा मॉडल है 22 दिल्ली नंबर है चंडीगढ़ क्या स्पेक करा यार बंदे ने ब्लैक ऑन ब्लैक विद ब्रॉन्ज व्हील्स कंपनी से ही कराया है ना ब्रॉन्ज मतलब कंपनी से स्पेक है ना पूरी स्टॉक गाड़ी है भाई बढ़िया स्टॉक ही खतरनाक चीज है क्रेजी आई विश भाई इंजन देख सकते हैं हम आई वुड हैव शोन यू गाइस द 4 लीटर फ्लैट 6 बहुत क्रेजी इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड है सो आवाज इस गाड़ी की बहुत क्रेजी होने वाली है कोई टर्बो नहीं है कोई बैक प्रेशर रुकेगा ही नहीं इट जस्ट वेज 1400 kgs सिर्फ 1400 किलो की गाड़ी है भाई ये मतलब गो कार्ट की तरह चलती है रियर व्हील ड्राइव है सो दैट यू कैन हैव सम फन क्रेजी ब्यूटीफुल लुक एट दोस कैलिपर्स मैन देखना भाई क्रेजी इतने बड़े कैलिपर्स हैं मतलब मैं कोई कार रिव्यूअर वगैरह नहीं हूँ मतलब ये मेरा ऐसा लग रहा है कि फैन बॉय मोमेंट हो रखा है इस वक्त पागल हो गए पोर्शे देख के देखने रिएक्शन लो भाई एंडेवर भी पसंद आ गई डांस करके दिखा दे बॉडी दिखा दे बॉडी ये भाई इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर भाई ऐसे ही गाड़ियों का प्यार शुरू होता है ऐसे ही थे हम भी भाई यहीं से शुरू हुए थे देखो कितना खुश है भाई है श्रे ऐसे ही छोटे छोटे हम भी ऐसे ही खुश हुए थे श्रे चीज तो गजब है भाई बहुत भाई मैं तो मतलब सीरियसली बता रहा हूँ लेने वगैरह के माइंडसेट से नहीं मतलब लेने के माइंडसेट से नहीं आया था पर ऐसा विचार हो गया है भाई बहुत क्रेजी चीज है पर यार सार्थक कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग रखी हुई है भाई सारी मतलब इधर भी मैं देख रहा हूँ C43 हाँ एंड सारी कम चली हुई है ये मैं चेकआउट कर रहा था भाई भाई गाड़ी सारी लेता है ऐसी कि जो बिल्कुल कम चली हो नेक्स्ट टू न्यू वाली बहुत अच्छी लगी मेरे को ये भी सी ये भी कन्वर्टेबल है कैब्रियो C300 कैब्रियो वो 5 सीरीज ये 11,000 चली है बस लश्कारे मार रही है भाई टच वुड ये सबसे सही चीज है भाई यस 530 आए यस बस 14,000 चले ये ले ले तू कहाँ M3 के चक्कर में पड़ रहा है ये सब चीजें सॉल्व करेगी ये सेडान फैन बॉय है इसको सेडान शुरू से पसंद है एसयूवी वगैरह नहीं पसंद इसको अरे ये इसके सारी चीजें सॉल्व कर देगी डेली चला भी सकता है सब कुछ कर सकती है ये गाड़ी सर्विस पैकेज भी है ये भी बढ़िया लगी भाई मेरे को नाइस कार बहुत सुंदर भाई ये भी देख सकता है रजो Q7 ढूंढ रहा है हमारा रजत भाई अभी सार्थक को भी बोला है ढूंढने के लिए अच्छा SUV हाँ
थोड़ा पढ़ा लिखा लगेगा भाई इससे उतरेगा तो, सच बता। क्यों भाई, भाई ऐसा है, लोग डरेंगे कम। हाँ डरेंगे भाई। फिर ये ले ले वेलफेयर, बहुत क्रेजी, मेरे को तो बहुत पसंद है भाई ये, बहुत पसंद है मेरे को, बट प्राइस टैग थोड़ा ज्यादा है इसका। हाँ उनके लिए ले सकते, इसमें नहीं है वो है, है। एक और फार्म हाउस, बहुत क्रेजी चीज है यार ये, सबसे हाई एंड वाली है, सबसे जो महंगी वाली वो वाला है ना ये वेरिएंट, इससे ऊपर कोई भी वेरिएंट नहीं है, बहुत क्रेजी भाई। इट्स द एग्जीक्यूटिव लाउंज, बहुत प्यारी, ऊपर भी सनरूफ यहाँ पर मिडिल में दिया हुआ है, ऊपर इधर स्क्रीन है, एम्बियंट लाइटिंग आप लोग देख सकते हो, मुझे तो वैसे दिखी नहीं थी, मेरे को कैमरा में दिखी है, बहुत क्रेजी भाई। यार लेदर को हाथ लगा एक बार, अलग ही फील है, जापानी ना पता नहीं क्या लगाते हैं, होंडा में तेरी ऐसा ही है, सेम वही फील है टोयोटा में इसमें, मतलब ये जर्मन्स नहीं कर सकते, जर्मन्स की सीटें बड़ी हार्ड होती हैं, ये जापानी कर सकते हैं भाई। ये क्या है, ओ भाई ये तो गलती से मिल गया। अच्छा ये आगे पीछे करने के लिए है, हर जगह उंगली करनी है, मैं देख रहा ये बाहर तो पॉप अप रही है, उंगली तो दिखा दे अपनी, ये फीचर है, एक में दो का मजा। चलो भाई बंद की नहीं होती ये, ऐसे होगी। अच्छा वो लॉक अनलॉक भाई, मैंने थोड़ी रखी है कभी, नाइस यार, रियली नाइस, आगे से देखिए, मैंने कभी वेलफेयर ऐसे देखी नहीं आगे से। अच्छा वो क्वालिटी वो टिपिकल टोयोटा वाली है, आवाजें वही आ रही है, फॉर्च्यूनर में से जो आती है, ऐसे खोलो तो कटक कटक, पर भाई इट इज सीरियसली वेरी लग्जूरियस गाइस, चेक इट आउट, बहुत क्रेजी है, मतलब आगे ड्राइवर के लिए भी ऐसा कैबिन दिया हुआ है इन्होंने, क्रेजी। ये क्या है भाई, डोंट टेल मी ग्लास होल्डर है, ओ तेरी, ये है भाई चीज क्रेजी, ये सिर्फ टोयोटा ही देता है भाई, ये फॉर्च्यूनर में है, इनोवा में है, ग्लास होल्डर देखियो क्या इसमें पेंट में, हाँ ये रे ये रे, कैमरा पे दिख रहे हैं, वाह यार बहुत ही प्यारा कलर है ये तो, देख इधर तो आ, हमारा मेन फीचर जो हम फॉर्च्यूनर में मिस करते हैं, एक ही वजह से फॉर्च्यूनर एंडेवर से बेटर है, बस एक फीचर में, ये ये है उसमें, इसमें टोयोटा का सिग्नेचर है, ये हर गाड़ी में देते हैं, इनोवा में भी है, एसी वेंट के वहां पे, पेग आई मीन सॉरी आपकी रेडबुल ठंडी रहे, रेडबुल है यार पेग का तो, ये रेडबुल हाथ में लेके घूम रहे हैं, उसी में रखी हुई ठंडी है, चाइल्ड चाइल्ड सही है भाई, यस वो ये वो है मायबाक है या फिर कन्वर्ट करी हुई है, जेन्युइन मायबाक है भाई, क्रेजी, तो ऐसी अननोटिस चली गई, हमने देखी नहीं, हमें लगा एस क्लास है, क्रेजी भाई। अच्छा साइड में से छुपा के खड़ी करी हो ना, देखना लेंथ देखो गाड़ी की, एक बार देखो शीशे का लेंथ देखो, एक बार साइड से दिखती तो पता चलती है मायबाक भाई, क्रेजी। सार्थक सीरियसली बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ, ऐसी कलेक्शन जेन्युइनली नहीं देखी भाई मैंने, बहुत क्रेजी भाई, राजा बाबू लग रहा है पूरा, कसम से बता रहा हूँ। बहुत क्रेजी है यार, नाइस, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फीचर्स, ये सॉफ्ट क्लोज यूजलेस है बट मुझे पता नहीं क्यों पसंद है बहुत, माय बाप की ब्रांडिंग, हाँ लेदर की एक अलग ही फ्रेग्रेंस आती है, बीएमडब्ल्यू से भी आती है बट मर्सिडीज की एक अलग ही चीज है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन कभी आपने नोटिस करा है मर्सिडीज में, जब भी आप व्हेनेवर यू एंटर इन ओल्ड मर्सिडीज या नई ब्रांड न्यू हो ओल्ड हो कोई भी, एक अलग सी खुशबू नहीं आती श्रे, इनके लेदर की अलग ही कुछ है, बड़ी लग्जूरियस फील देती है वो, बहुत सही है भाई। आजा पोर्शा के लिए आए थे हम, स्टार्ट वार्ट तो करके देखे, हम दूसरी चीजों में लग गए, आओ भाई सार्थक भाई, गरम है ना गाड़ी, स्टार्ट करके देखिए, ओ गरम नहीं है, उबाले मार रही है भाई, तो फुल भगाते हुए लाया सार्थक भी। सो गाइस फाइनली सिटिंग इनसाइड द पोर्शा 911 GT3, थोड़ा सा टाइट फिट हूं मैं इसमें, द बेस्ट पार्ट यार इसकी फील देख यार, जो शिफ्टर की नेक्स्ट लेवल फील है भाई, थर्ड पेडल क्रेजी भाई, कैन यू हियर इट भाई, एक बार फील कर इसमें गियर डाल, एक बार फील कर, इतना स्नैपी है, अलग ही फील है, मतलब वो ढीलापन नहीं मतलब जो नॉर्मल मैनुअल स्विफ्ट सेंटर में आता ना वो चीज नहीं है, मैनुअल अलग ही लेवल की है ये, अरे स्नैप करती गियर अपनी जगह में कटैक स्नैप कर जाते, आवाज सुनना गाइस क्रेजी भाई, रियली नाइस। आओ भाई स्टार्ट करें, ये पता है क्यों यहाँ पर देते हैं स्टार्टर, ये कौन सी रेस थी मैं नाम भूल गया, उसमें क्या होता था स्टार्ट लाइन से आपको फटाफट शायद लमान, उसमें भाग कर आपको ऐसे एक बार चाबी लगा के स्टार्ट करके एक बार में निकलना होता था, तो ये चाबी उसको एक एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए ये करा है, सो कर देते स्टार्ट, पहले एक्सेसरी ऑन करते हैं भाई, लेट्स चेक द कार आउट, बहुत प्यारी भाई बहुत प्यारी, पन्निया चढ़ी हुई है यार, ब्रांड न्यू गाड़ी है भाई, कंटिन्यू एज गेस्ट, ओ भाई ऑटो ब्लिपर भी है, ऑन कर देते हैं ना स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम हम, चलो भाई क्रेजी भाई क्रेजी,
तूने एक चीज नोटिस करी, फ्लैट सिक्स है, BMW की GS से करती है वाइब्रेशन, कुछ वैसा सा इंजन का नोट है ना, बॉक्सर इंजन की तरह कर 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 कर, वो वाला नोट है इसका। भाई टीम तक यार रेव बॉम हो जाए थोड़े, क्या कहते हो? नहीं इसमें नहीं, पागल है क्या? नहीं होगा इसमें, सॉफ्ट लिमिटर है इसमें, सॉफ्ट लिमिटर नहीं है ना इसमें, 4000 पे लिमिट नहीं करेगी ना रेव। कोल्ड स्टार्ट तो अब खत्म हुआ है, इतना लंबा कोल्ड स्टार्ट था भाई। चलो भाई नाउ दैट द कोल्ड स्टार्ट इज ओवर लेट्स रेव इट। क्रेजी भाई, है भाई सॉफ्ट लिमिटर है, हाँ 4000 पे लिमिट कर दे रही है, देख 4000 से ऊपर नहीं जा रही, 4000 पे भी इतनी लाउड लग रही है भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। शोरूम के अंदर है इसलिए अभी मैं रिस्क नहीं लूंगा इसको गियर में डालने का। यू आर राइट माय ब्रो, बट आई थॉट कि सिंस 911 में नहीं देता। अच्छा इसमें एक और मोड भी है इसमें, बता कौन सा? लॉन्च कंट्रोल, इसका सुना है लॉन्च, और इसका वो लैम्बोर्गिनी और फेरारी की तरह वाला लॉन्च नहीं है कि 8-10 लॉन्च मारे और किकला चुड़ गया, इसका वो हिसाब नहीं है, इसमें तो पूरा दिन लॉन्च मारो, हर रेड लाइट पे लॉन्च मार के निकलो। क्रेजी भाई रियली ब्यूटीफुल। तेरे को कितना झुकना पड़ रहा है भाई, तू बैठ पाएगा इसमें? बैठ के देख, फंस गया, आ गया भाई, रजत सिंह अप्रूव्ड है, पैर तो अंदर डाल। ले भाई आ गया, कैसे बैठा है देखने एक बार, फंस के बैठा है। ओए चरे, हमारी बाहर से वीडियो बनाई, देखो कैसे लग रहे दोनों टाटे टाटे अंदर। कैसे लग रहे आमरेश पे भी नहीं आ पा रहे, पूरे ये कट रहे हम दोनों, ये देखो यहाँ पे, ये देखो भाई कंधे से कंधे बैठ रहे कैसे। कैमरा वॉर चल रहा है भाई, कंधे लगे हुए दोनों के, ड्राइव मोड्स इधर हैं, रियली नाइस यार, पूरी भाई पूरी पूरी। ये तो एक्सल लिफ्टर है, अगर किसी गड्ढे वड्डे पे से निकलना है, मतलब किसी स्पीड ब्रेकर पे से एक्सल लिफ्ट कर लो, ये उसके शॉकर्स के लिए है, उसके मोड्स के लिए, और ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये ESC है, इसमें ESC / ट्रैक्शन है। ये तो भाई हजार्ड्स, ओ भाई फील देख बटन की, एक बार दबा, फील ही अलग है यार, बटन की फील अलग है, गियर शिफ्ट की तो भाई सबसे बढ़िया चीज, तो ये देखो ना भाई 330 तो चली जाती है, 330 ज्यादा भी चली जाती है, 333-335 ऐसे चली जाती है भाई, अल्कंटारा पूरा, बहुत सही है यार, तो बहुत अच्छी फील दे रहा है अल्कंटारा पूरा। सार्थक कह रहा है चलो गेड़ी कटवाता हूँ, और क्या कह रहा है ड्रिफ्ट भी करने देगा। ड्रिफ्ट तो मैं खुद ही नहीं करूंगा भाई इसमें, इसको कुछ हो गया ना तो भाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आओ भाई गाड़ी बाहर निकालते हैं और उसके बाद चलाते हैं, एक मिनट हैंड ब्रेक लगा देता हूँ मैं इसकी, लग गई हैंड ब्रेक, और ये ले भाई सार्थक तू निकाल भाई इसको बाहर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, तेरा डेली का काम है। हाँ यहाँ नीचे ना लग जाए यार, बहुत ऊंचा रैंप है भाई, एम्बिएंट लाइटिंग भी अंदर, वो देख अच्छी लग रही है। बिल्कुल ही टेढ़ी करके निकालनी पड़ रही है, इधर देख लेता हूँ। आजा 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 सार्थक, आजा आजा, ओके। ओ पूरा व्हील हवा में भाई, क्रेजी टच डाउन। क्रेजी भाई क्रेजी। अब ना धूप में देख ब्लैक कितना प्यारा लग रहा है, इसके एक एक पर्ल चमक रहा है, ज्यादा सनलाइट पड़ रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ जो गाड़ी पीछे से वाइड होगी ना उसमें कंपनी वहां पर थोड़ी सी PPF देती है। आ जाओ भाई सवारी निकल चुकी है हमारी। ओ भाई हाँ वो लग जाता है, लग जाता है वो GT3 RS का भी विंग लग जाएगा, कितनी प्यारी लग रही है भाई, मजा आ गया। आओ भाई लेट्स ड्राइव द बीस्ट। भाई सीरियसली श्री कह रहे एंजॉय वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, यहाँ कर एक बार सार्थक, फील देख इसकी यार क्या चीज है भाई। अच्छा पेडल्स कितने पास पास हैं इसके भाई, लास्ट तेरे को पता है मैंने मैनुअल गाड़ी कौन सी चलाई थी? कौन सी? स्विफ्ट। मुझे पोर्शे पकड़ा दी GT3।
क्रेजी भाई, स्टीयरिंग की क्या फील है यार। स्टीयरिंग भी में इसमें मोड्स है ना, मोड्स है। बट दिक्कत नहीं कर रहा, मुझे खुश हो रहा हूँ गाड़ी से। भाई यार सार्थक दिल से लव यू भाई, तेरे हाथ में कैमरा है पर थैंक यू सो मच भाई, क्रेजी यार सीरियसली यू हैव मेड माय डे मंथ ईयर कुछ भी बोल ले। रियली वांट टू ड्राइव दिस वंस, जाके शोरूम में भी ड्राइव कर सकता था भाई, पर अपने हाँ। भाई की चीज है तो अपने भाई की जगह बिल्कुल आई हैड सम कसम से, क्या पता 2 साल बाद तू कोई ऐसी चीज लाए तो अब तो लेने के लिए ले सकते हैं भाई, पर इतना फाइनेंशियल बर्डन क्यों डालना गाड़ी में चक्कर में। अभी M2 लिया, डिफेंडर लिया, टाइम आने पे लेंगे लेंगे सर। ओ भाई 5,000 5,500 आरपीएम के बाद गाड़ी ऐसी रॉकेट होती है। वैसे स्पोर्ट्स ट्राई करो, डालू स्पोर्ट्स ट्राई करो, ड्राइव मोड बटन है घुमा घुमा दो घुमा दो स्पोर्ट्स में हो गई। भाई ट्रैक में तो करनी ही नहीं है। अब दोपहर में एक बार हाँ करो करो गाइस, सेकंड गियर स्पोर्ट्स मोड, रेव मैच कर रही है गाड़ी भाई, रेव मैचिंग है इसमें। वो जो ऑटो क्लिप में दिखा रहा था ना वो रेव मैच कर रही है। देखा तूने डाउनशिफ्ट अपशिफ्ट में, व्हाट द कार इज रेडी फॉर द नेक्स्ट गियर। तो इसलिए असाना तूने मेरा रिएक्शन देखा ना, रिएक्शन देखे कैसी आ गई हार्ट बीट ना, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज है ना अभी इस वक्त भाई, क्रेजी चीज है भाई, चिपका रही है सीट में ना पीछे, नेक्स्ट लेवल बस भाई। अब इसको ले लो, पता है मैं क्यों डर रहा हूं? क्योंकि बेचने वाली चीज है, अगर तेरी अपनी चीज है ना, है तो तेरी अपनी बट बेचने के लिए है ना, अपनी गाड़ी होती तो बात ही अलग थी भाई। भाई सार्थक यू हैव गिवन मी गोल्स, ठीक है अब और डबल मेहनत करके ये चीज लानी है भाई, मेरे गरारी अड़ा दी तूने, डबल मेहनत करके ये चीज लानी है भाई, क्रेजी फन है भाई इसका। आई हैव ड्रिवन लैम्बोर्गिनीज, पोर्शेस और भी सारी, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। मैनुअल चीज ही नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत प्यारी चीज है सीरियसली बता रहा हूँ, दिल आ गया भाई। लेवल बीस्ट, मजेदार चीज है भाई, मैनुअल का अलग ही मजा है। बीच में दिल की धड़कन ऐसी हो गई थी ना, लॉस फॉर वर्ड्स राइट नाउ भाई, क्रेजी चीज है। बट एक बीमारी है वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली, इसमें भी है, मैनुअल गाड़ी में भी है, देख क्लच दबाऊंगा स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल डिकोड ऑफ कर सकते हैं इसको, थोड़ी कराएंगे अभी, एक टेस्ट ड्राइव मैं लेके आता हूं भाई। मेरे कहने पे ना पहली ड्राइव मतलब पहला लैप जो मारेगा वो नॉर्मल पे मारियो, सरा इसके स्पोर्ट्स मोड पर डिफरेंस अब भी ऑटो डाउनशिफ्ट करेगा ना, ऑटो ब्लिपर है, रेव मैचिंग है, सब है, क्रेजी फील है। डाउनशिफ्ट करते गुड़ंग गुड़ंग ऐसे आवाज करते, क्रेजी करना लेगा मैं तो जल्दी चला इसको। ये श्रेय जोन हमारा, आज स्मार्ट लग रहा है भाई तू आज मैंने ही ब्लैक नहीं पहना, मैं ये पहना हूं। ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ गई आ गई आ गई, बस 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 रोक दे, अब पूरी राइट काट दे, रुक जा धीरे 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 धीरे, चल निकल गई।
हमारे रज्जो कहाँ गया यार पूरा? छोले कुलचा दबा रहा उधर है, तू अकेले में छोले कुलचा दबा ले, खिलाइयो भाई। हम्बलनेस देख रहा है रज्जोगी, भी पोर्शे से उतरा है GT3 से और यहाँ छोले कुलचे। बढ़िया बनाया भाई, मजा आ गया। भाई एक मेरे लिए भी बना दो यार। A few moments later. Day well spent. अब एक बार एक कस्टम जाके अपनी जरा E90 को भी चेकआउट कर लेते हैं। क्यों भाई श्रेजोन? ओके चलो। Guys, आ चुके हैं हम अब एक कस्टम्स। ये कहाँ घूम रहा है छोटा शैतान? क्या हाल है मेरे भाई? लाओ पिलाओ भाई पानी। अंजी कहाँ है भाई हमारी जाने मन? देखे ये रही हमारी ब्यूटी, पर इस पे आएंगे 2 मिनट बाद। थोड़ा टाइम लग गया भाई। ओ हिसाब चल रहा है। अरे नहीं यार 3 लाख रुपए नहीं लूंगा यार, 1-0 और लगा दो। क्या ले मेरे भाई? कमिंग बैक टू आर बीस्ट भाई, फ्रंट बम्पर भी ऑलमोस्ट आई थिंक रेडी हो चुका है, कुछ कुछ चीजें रह गई हैं। तो ये कॉम्बो बनाया भाई हमने, तो ये एक तरीके का मेटालिक पर्पल है विद सैटिन ब्लैक, और ये कलर कॉम्बो मेरी चॉइस थी। गाड़ी पे कुछ ऐसा लग रहा है, एक बार वन पे दिखाता हूँ, देखो कुछ ऐसा लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, जो आंखें देख रही है ना वो बहुत अलग है, एंड कैमरा पे इसका कलर बहुत अलग दिखता है। वैसे ही एक्चुअली बहुत मतलब डार्क पर्पल है, बट ऐसा भी बहुत ज्यादा M2 वाला नहीं है, हमारी M2 इससे भी डार्क है। वो मिडनाइट पर्पल है जो कि ब्लैक ही लगता है मोस्टली, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। एंड ये भाई थोड़ा सा पैटर्न हमने यहाँ डलवाई, ये एक अलग लेयर है, 3 लेयर्स हैं अभी इसमें। एक ये सैटिन ब्लैक की, फिर उसके ऊपर ये वाली पर्पल वाली लेयर, फिर उसके ऊपर ये डॉट्स और जो ग्राफिक्स हैं, थोड़े यहाँ पर आपको पास से दिखाता हूँ, ये ग्राफिक्स आपको दिख रहे होंगे। ये अलग लेयर है, सैटिन ब्लैक के ऊपर हमने ये डिजाइनिंग डाली है। ये पूरी गाड़ी में आप देखो यहाँ भी आती है, और इस साइड अभी डिक्की पे नहीं हुआ है, उस साइड दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ डिफरेंट हम लोगों ने ट्राई किया है, जैसे ये पैटर्न तो है, बट इसके अलावा आगे देखो एक गोस्ट इफेक्ट टाइप आता है। देखो यहाँ से दरवाजे से आना शुरू हो जाता है, देखो ये थोड़े कंपोनेंट्स डाले हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी होगा बोनेट वगैरह पे भी होगा, ये बहुत क्रेजी लग रहा है। देखो इधर भी पिलर पे भी है ये इफेक्ट, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो मेरे को बहुत पसंद है। एंड इसकी वजह से कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप लग रहा है, जैसे ये ब्लैक है, ये इसकी वजह से थोड़ा ग्रे लग रहा है। देखो आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, तो इस पे भी करेंगे हम लोग। एंड द कार इज आई थिंक अभी 80% डन। हमारी जो डिक्की है वो भी लग चुकी है, फाइबर बूट है ये, लाइट वेट, एंड इस पे स्पॉइलर बनवा के लगवाया, आपने लास्ट वीडियोज में देखा होगा। तो ये भी बहुत एपिक लग रहा है, बहुत ही मतलब जा रहा है यार इस गाड़ी के साथ। आई थिंक नाउ वी नीड स्पेसर्स, क्योंकि ये थोड़े से व्हील्स हमें बाहर निकलवाने की जरूरत है। बट द कार इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अभी धीरे धीरे छत वगैरह का भी काम होगा, सारी चीजें होंगी, इंटीरियर वापस इंस्टॉल होगा, थोड़ी सफाई होगी भाई, पहले तो बहुत गंदी हो रही है हमारी गाड़ी, बट इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सीरियसली मजा आ गया दिल से। तो भाई अपनी E90 की सीट पे सो रहा है, रेसिंग सीट पे सोते हैं यहाँ पर कुत्ते भी एक एक कस्टम पे, और सो भी मेरी वाली सीट पे रहा है, ड्राइवर साइड वाली पे। ये पिछले स्पोर्ट्स कुत्ता अगर इसको ठंड लग रहा होगा ना, फर्स्ट ठंडा है इस पे, थोड़ी गर्मी ले रहा है, कोई ना पारू, सो जा। तो भाई मास्टरमाइंड अब फ्री हो चुके हैं हमारी गाड़ी के डिजाइन के पीछे के मास्टरमाइंड। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो टीम का, क्या क्या डिजाइन है भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। एक चीज बताओ, ये सैटिन ब्लैक है, जहाँ ये हमने स्मोक वाला इफेक्ट किया है वहाँ ये ग्रे हो जा रहा है थोड़ा। फिर हमारे पर्पल पे भी ऐसे ही स्मोक वाला डिजाइन है ना, पर्पल के ऊपर भी एक ओवर है लैमिनेट का ट्रांसपेरेंट। हाँ, मैं गलत वो बोल रहा हूँ, स्मोक वाला नहीं, मतलब ये ग्राफिक्स है एक तरीके के ना, बहुत सटल है ये, ऐसा नहीं है कि इन योर फेस है, एंड बहुत सटल है। ये भी हमने यहीं पर डिजाइन किया था, स्प्रॉकेट्स हैं इसमें, एंड इंजन के कंपोनेंट्स हैं, बेल्ट्स हैं, ये सारी चीजें डाली हुई हमने। थोड़ा यहाँ भी किया था, थोड़ा सा इसमें फेड हो गया, क्योंकि हम इधर अपने हाँ इस पे हम अपने ब्रांडिंग वगैरह सारी चीजें वो सब करेंगे और चीजें करेंगे जो वैसी खाली रहेगी, क्योंकि कंपटीशन नंबर लगता है। हाँ कंपटीशन नंबर इधर लगेगा एग्जैक्टली। हाँ ये जगह तो मैंने ही बोला था खाली छोड़ देना यार, इधर तो कंपटीशन नंबर लगता है ना। एक चीज है ये चीज जो ये सितारे हैं ये पूरे कर देना, यहाँ तक शीशे पे भी आ जाए, इसमें तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारी लग रही है, मतलब ये कलर इतना निखर के आया यार, मेरे को नहीं पता था इतना सुंदर निकलेगा भाई, अक्षय कसम से बहुत अच्छा निकल गया। ये क्या है? अच्छा मार्क बनाने के लिए। अच्छा 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 बहुत अच्छी लग रही है, मैच हो तो रहा है बिल्कुल रोल केज के साथ, अच्छा मैच हो गया। देखो गाइस अंदर ये रहा जो रैप है, एंड ये रोल केज का कलर है, मतलब अगर कहूंगा तो भाई 19-20 का ही फर्क होगा अगर होगा तो, क्योंकि हाँ पेंट का एग्जैक्टली पेंट की अलग फिनिश है, वाइनल की अलग है, बट बहुत प्यारी लग रही है। तो ये कब तक हो जाएगा इस पे पर्पल वाले पे भी? अच्छा अभी पर्पल वाले पे हमने डिसाइड ही नहीं किया,
भाई देखो मैं बैठता हूँ पूरा दिन खराब करके चले जाते हैं यहाँ पर कुछ खा के तुम डिजाइन करके भेज दो तो चेंजेस हो गए मैं भेज दूंगा बेस्ट हो है यार आज एक बहुत पुराने भाई प्यार वाले मिल गए थे उनसे बड़ा टाइम लग गया बातें करते रहे यार मैं बताऊं आप भेजो तो सही एक डिजाइन जैसे ये वाला बहुत अच्छा बनाया था देखो हम इंटरनेट से चीज निकाल के नहीं कर रहे हम ये कस्टम बनाया लड़के ने सारा जोड़ जोड़ के तो वही जोड़ तोड़ के कुछ अच्छा ही बनेगा कुछ रिलेटेड टू कार्स ड्रिफ्टिंग कुछ यू नो एनिमे एनिमे भी आजकल चल रहा है बहुत शौक है लोगों को बच्चों को तो वो भी एनिमे कुछ ऐसा लगा देना कुछ पॉप कल्चर का कोई एलिमेंट डाल सकते हैं कुछ गाड़ी से रिलेटेड डाल सकते ड्रिफ्टिंग से डाल सकते हैं कोई सुंदर सी लड़की बना सकते हैं वो बड़ा अट्रैक्ट करेगी है भाई कमेंट सेक्शन में बता दो भाई हाँ जेडीएम गर्ल बना दो कोई भाई कमेंट सेक्शन में बताओ पर्पल इससे पे जेडीएम गर्ल बनाए या ना बनाए अच्छी लगेगी वैसे इधर हाँ अच्छी तो अभी भी लग रही है पर जेडीएम गर्ल के बाद फिर आप दोनों में से किसी को सुलाना पड़ेगा अपने घर मुझे कुछ नहीं होगा कलर भाई व्हील का ब्लू तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना जा ही नहीं रहा ब्लू जाता अगर हमने पर्पल की जगह ब्लू किया होता सारी गाड़ी पे तो ये बिल्कुल जा रहा था तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा ये तो भाई बताओ यार अब तो हमने वैसे ये जो कलर की चॉइस है ये लास्ट तक हमने धकेली है एक तरीके से कि हमें लास्ट में चूज करना पर्पल भी जा सकता है तो पर्पल ज्यादा हो जाएगा सही कह रहे हो एक काम करते हैं ना भाई अगर कोई अपनी फैमिली के साथ देख रहा है तो दूसरे कमरे में चले जाओ ठीक है जो ये सारा लिखा हुआ है ना इसको क्या करते हैं व्हील पूरा वाइट कर देते हैं इन पार्ट्स में इंजेक्शन इसमें है इतनी जगह नाखून तो घुस रहा है घुस रहा है इंजेक्शन से भर जाएंगे थोड़ी एचिंग करके ड्रेमल टूल होता ना उससे थोड़ा सा इसको और डीप करके और इसमें इंजेक्शन से अगर हम पेंट छोड़ दें तो वो टिक जाएगा क्या कहते हो है ना या फिर कलम टचिंग करवा लेना कोई बढ़िया लड़का होगा मार्कर से कर लेंगे पर्पल इसमें वो कर देंगे एंड ये वाले जो दो जो लिखा हुआ है ना इन दो को पर्पल कर देंगे बाकी सारा व्हाइट एक काम करते हैं पहले पूरा व्हाइट करते हैं और एक पर पर्पल इसमें जो लिखा हुआ है इसमें सबको पर्पल करके देखते हैं फिर देखते हैं अगर लगेगा तो एक हम तब तक सूखेगा भी हाँ फिर ऐसे कर देंगे यार अलॉय का ना पेंट का मोह हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ड्रिफ्टिंग में हम इवेंट पे चार चार बार छह छह बार टायर बदलते हैं टायर फेंके जाते हैं अलॉय लड़के फेंक देते हैं तो ये तो घिसड़ेंगे तो ये तो हर थोड़े टाइम में पेंट होंगे तो ये चीज है इसका हम वो मोह कर ही नहीं सकते बट अच्छी लगेगी व्हाइट के साथ बहुत एक बार छत वत भी हो जाए ना थोड़ा और हमें समझ आ जाएगा कि कैसी लगेगी अरे डिक्की की क्या लुक निकल के आई है अच्छा इस साइड ब्लैक है ना तो यहाँ ये छुप रहा है बट जहाँ पर्पल है इस साइड से बहुत एनहांस हो रहा है ये देखो हाँ बहुत एनहांस हो रहा है ये डकटेल बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे हिसाब से वो स्पेसर्स का भाई जुगाड़ करवा देना मेरे वो लगनेट्स का स्पेसर्स लग जाएंगे बाहर आ जाएंगे मजा आ जाएगा सच में बहुत प्यारी लगेगी अच्छा इसमें बिडिंग आ जाएगी सारी बहुत ओके लग रही है भाई थोड़ी साफ करवा देना अंदर देखो बहुत बुरा हाल है पूरी अच्छे से ब्लैक भी तो कर रहे हैं अंदर अच्छा हाँ ब्लैक कर रहे हैं हम तो अंदर सारी गाइस हम अंदर जितना भी व्हाइट हिस्सा है उसको ब्लैक कर देंगे तो थोड़ा सा और मतलब सटल हो जाएगा क्लीन लगेगा और ज्यादा थोड़ा बेस्ट है नाइस